मैं तुम्हारे उन 30,522 फैंस से जरा मुख्तलिफ हूँ। सभी यही कहते हैं, पर देखिए मेरे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, काम करना है, शादी नहीं करनी। मैंने अपनी बच्ची को बहुत लाड और प्यार से पाला, बहुत शर्मीली बच्ची। और क्या कह रहा था? इतनी बार बता चुकी हूँ, बार बार क्यों पूछ रही है? ये तो मसला इन बड़े घर के लड़कों का, थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। हेलो, सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस कमाल बात कर रही हूँ। मिसेस कमाल, आपके बेटे ने तो कमाल ही हरकत की है। यूँ बगैर पूछे बगैर बताए वो किस तरह आ सकते मेरी बेटी से मिलने? मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जी, उसकी इस हरकत पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल मैंने आपको खाने पर बुलाने के लिए फोन किया था ताकि हम एक दूसरे को मजीद जान सके। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जान गई, इसलिए अब आपसे माजरत करती हूँ। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। खुदा हाफिज। आई कांट बिलीव इट, उन्होंने मुझे इनकार किया। अरे भाई, जाहिर है वो बेटी की माँ है तो उसे अच्छा नहीं लगा होगा। याद नहीं तुम्हें, हमारे जमाने में जब मैंने तुमसे अलहदा में मिलने की बात की थी तो तुम्हारे माँ बाप ने साफ मना कर दिया था। कमाल साहब, वो दौर और था। चाहे दौर बदला है लेकिन एक माँ की अपनी बेटी के लिए फिक्र तो नहीं बदली ना। एक काम करते हैं, कल उनकी तरफ जाते हैं और जाकर इसकी तरफ से उनसे माफी मांगते हैं, इसी बहाने मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। आप भी कमाल करते हैं, यानी कि अब आप उनके घर जाएंगे उनसे माफी मांगने के लिए? अरे भाई, क्या फर्क पड़ता है? अपने बेटे की खुशी के लिए हम अपनी अना की इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं। वैसे भी आप ही को ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है इसकी शादी करवाने का। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी पिक्चर से इंप्रेस होकर नहीं आया। ऐसा क्यों कहा उसने? तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोचा बस यही है, इसी को मेरी बीवी होना चाहिए। मनाल बाजी, क्यों उदास हैं आप? चलें, नए कपड़ों के साथ आपकी तस्वीरें खींचते हैं। चुप करके बैठ जाओ मुन्ना, तुम्हें कोई नहीं अच्छी तस्वीरें बनानी आती। मनाल, हे अल्लाह, ये दिन के वक्त सारी लाइटें क्यों जलाई हुई हैं? कौन देगा बिजली का बिल? मुन्ना, ये लाइटें बंद करो और सुनो, 10 मिनट के अंदर अंदर आओ और चाय बनाओ। अब कौन आ रहा है? मुझे नहीं आना कहीं। अच्छा, 5 मिनट के लिए आ जाओ। सुनो मेरी बात, मिसेस कमाल के मियाँ का फोन आया था, वो माफी मांगना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो जोर दे रहे थे, अब क्या करती मैं? आ जाओ, चलो उनसे 2 मिनट के लिए मिल लेना। ये ठीक है? बस बहन जी, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। मैं जानता था कि आप हारिस को जरूर माफ कर देंगी। भाई साहब, आप खुद आ गए हैं, अब मेरा शिकवा करना नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो। ये तस्वीर कामरान साहब की है ना? जी जी, ये मेरे मरहूम शौहर हैं, मगर आप इनको कैसे जानते हैं? अरे, ये तो मेरे बड़े जबरदस्त क्लाइंट थे, इनका शायद फर्नीचर का काम था। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान थे, अक्सर मेरे साथ आके चाय जरूर पीते थे। और अब मुझे पता चला कि इन्हें चाय की इतनी आदत क्यों थी। भाई, आपके घर में चाय बनती ही इतनी अच्छी है। वो चाय के वाकई बहुत शौकीन, वो
हमें आपकी बच्ची बहुत अच्छी लगी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं और हमारा घर भी देख लें ताकि हम फिर बात आगे बढ़ाएं। आप इत्मीनान से घर में बात कर लीजिए, फैसला कर लें। अब देखिए ना, आपके शौहर से तो मेरी पुरानी शनासाई निकल आई है, आपकी फैमिली से भी मुलाकात हो गई है, अब आप जिस तरह चाहें अपनी तसल्ली कर लीजिए। बहन जी, हमें तो बस दो जोड़ों में अपनी मनाल चाहिए। लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि शादी जल्द से जल्द कर दे। हारिस मुल्क से बाहर काम करता है, इसे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, और अगर अभी ये नहीं हुआ तो फिर बात अगले साल तक टल जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी ये सब। अरे आंटी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब इंतजाम हो जाएंगे, मैं हूं ना। लो जी, ये मसला भी हल हो गया, अब सोचना क्या, बस हाँ कीजिए। ठीक है भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। ये हुई ना बात, बहुत बहुत मुबारक। मिनाल, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए, और मैं इसे अपने हाथ से तुम्हें पहनाऊंगी। भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। अरे भाई, मुंह मीठा करवाओ। हेलो, कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? नहीं बाबा, मैं क्यों इग्नोर करूंगा भला, मैं एक्चुअली मामा के साथ हॉस्पिटल आया हूँ। अच्छा, तो फिर एक काम करो, अपने मामा के साथ तस्वीर लेकर अभी मुझे सेंड करो। मैं नहीं, अभी तस्वीर नहीं सेंड कर सकता, हॉस्पिटल में हूँ ना। अरे बेबी, आई मिस यू। आई मिस यू टू, लेकिन सबीका मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे फोन उठाना अलाउड नहीं है। मैं फ्री होती तुम्हें कॉल करता हूँ ना। टेक केयर मेरी जान, लव यू, बाय बाय। अच्छा सही है, बाय। अपना फोन दीजिए। जी? ना फोन दीजिए। ये मेरा नंबर है, अगर हो सके तो रात को सोने से पहले आप मुझे फोन कर लेना। हो, अच्छा, क्यों? कोई जरूरी बात है क्या? बात ये कि आपको लेकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा वहम है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप वो सब वहम दूर कर दें। अच्छा, और अगर मैं वो वहम दूर ना कर सका तो? तो मैं आपको खुद से दूर कर दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। Shall we? Please. After you. कहाँ है अम्मी और
ज्यादा दरवाजा भी नहीं खोल सकती। सदा मनाल कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक वगैरह छोड़ो, ये बताओ गायब कहाँ थी इतने दिनों से? चार घर छोड़कर रहती और मिलने हफ्तों के बाद आती हूँ। यार क्या बताऊँ, सास इतनी बीमार थी कि उसको संभालते संभालते मैं खुद बीमार पड़ गई। अब यहीं खड़े रखोगे या अंदर भी लेके चलोगे? हाँ हाँ आओ अंदर आओ, बहुत सारी बातें बतानी है मैंने तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, देसी पाकिस्तानी लड़की है। अच्छा तो वो तेरी सारी बातें मान गई? कमाल है यार, जब किस्मत साथ दे रही हो मेरे भाई तो सब कुछ ठीक ही होता है। हाँ पर तुम दूसरी शादी कर क्यों रहे हो? सबीका भाभी को तुम्हारी दूसरी शादी का पता चलेगा तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ, लेकिन अगर शादी ना करूं तो मामा दिल पकड़ के बैठ जाती है। और यार सच बोलूं तो मैं डरता हूँ यार, अगर उनको मेरी वहां वाली शादी का पता चल गया तो मामा ने दिल छोड़कर जूती उठा लेनी है और इतना मारेंगे कि बता भी नहीं सकता। और बाबा वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। हाँ और कितने दिन रुकोगे वहां पे? सबीका भाभी यहाँ बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है, मैं थक गया हूँ यार। इसीलिए तो बोल रहा हूँ जल्दी आ जा। और फिर तू अगर आ जाएगा सबीका की भी तसल्ली हो जाएगी। और दानिश तू यहाँ पर आकर मनाल को भी यकीन दिला सकता है कि मैं वहां पर कितना मसरूफ होता हूँ। अच्छा समझ गया, तो तुम ये चाहते हो कि मैं सबीका भाभी से झूठ बोल के पाकिस्तान आऊं कि तुम्हारी वालदा की तबीयत खराब है और तुम्हारी शादी में शिरकत करके तुम्हारी दूसरी बीवी से ये झूठ बोलूं कि तुम यहाँ कितने मसरूफ हो, है ना? हाँ गुड गेस। देख दानिश दोस्त ही दोस्त के काम आता है, अगली फ्लाइट पकड़ और चंद दिन के लिए पाकिस्तान आ जा। अच्छा अच्छा ठीक है सोचता हूँ। देखो तुम तो जानते हो मैं सब कुछ मजबूरी में कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जा यार, मुझे तेरी अशद जरूरत है। अच्छा यार नाश्ता कर लूँ फिर करता हूँ बात। ओके बाय बाय बाय। यानी तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की कि तुम्हें लगता है तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने देंगे और वो अपना कोई काम नहीं करवाएंगे? मैंने उनसे कह दिया किचन संभालना, कपड़े धोना, खाना बनाना, शौहर की खिदमत करना, इनमें से कोई एक काम भी नहीं करूंगी। तुम पागल होगी हो क्या? बेवकूफ लड़की आजकल की सासें बहुओं का बहुत बुरा हाल करती हैं। शौहर के सामने आपका इमेज खराब कर देता है, उसके बाद शौहर आपकी नहीं सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। नहीं सदफ, मेरा नहीं दिल मानता कि वो ऐसा होगा। मनाल मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी, मेरा शौहर तो शादी से पहले ये कहता था कि फिल्मों में जो हीरो हीरोइन का प्यार दिखाते हैं ना, असल में वो हम जैसे लोगों की जिंदगी से मुतासिर होकर दिखाते हैं। वो तो अपनी शादी की फिल्म में भी खुश नजर नहीं आ रहा था, शुरू शुरू की रोमांटिक वाली बातें ना शुरू शुरू तक ही रह जाती हैं। तुम्हें पता है सदफ, उसकी इसी बात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हूँ मैं, वो बिल्कुल भी गैर जरूरी या रोमांटिक बात नहीं करता। देखो मनाल एक दफा अपनी दिल की तसल्ली जरूर कर लेना, बाद में बदल गया तो। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मर्द की नीयत आजकल के लॉन की प्रिंट की तरह होती है, कब रंग बदल जाए पता ही नहीं लगता। ये लॉन कहां से बीच में आ गई? मनाल कभी तो किसी बात को सीरियस ले लिया करो यार, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मेरी फिक्र बाद में कर लेना, चाय बहुत ठंडी हो गई है। हाँ ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। मेरे लिए ग्लास पानी भी ले आना प्लीज। अच्छा जी। नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा फिर शोर, आप प्लीज बोले बताएं। बात ये कि मुझे आप पर शक है, अगर आप शादी के बाद बदल गए तो? अभी तो आप बहुत अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और बाद में ऐसे ना रहे तो? अभी तो ऐसे लग रहे जैसे मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की है, बाद में ना हेल्प रहेगी और ना ही आप लाइन पर रहेंगे। क्या कर रही हैं इस वक्त? हिसाब लगा रही हूँ कितना खर्चा आएगा तुम्हारी शादी पर। तुम्हें पता है सुबह तक तो मैं इतनी परेशान थी, सोच रही थी इतनी जल्दी मैं सब कुछ कैसे करूंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मुझे दरवाजा वाला घर बेच देती हूँ। क्या जरूरत है आपको घर बेचने की? नए इंतजाम तो मना कर दें। पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम कितनी किस्मत वाली हो,
कितना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इतना अच्छा घर है, और जब मैं उनके घर से निकली थी ना तो मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था, और रब ने देखो कैसा करम किया। शमायला का मुझे फोन आया था, वो कह रही थी कि इस महीने की कमेटी वो मुझे दे देगी। समीना ने उसको बताया ना तुम्हारी शादी का। मम्मी मेरी शादी के बाद आप अकेली नहीं हो जाएंगी? हाँ हो जाऊंगी, लेकिन इस तन्हाई में भी सुकून होगा। मुझे ये पता होगा कि तुम अपने घर की हो गई हो, वरना वरना क्या? वरना अगर तुम मेरे साथ रहोगी तब भी मुझे बेचैनी और परेशानी रहेगी कि पता नहीं तुम्हारा घर कब बसेगा। मतलब ये कि मैं आपके लिए परेशानी हूँ? ओहो बेटा, लड़कियों की सही वक्त पर शादी हो जानी चाहिए। तो इस वक्त को डिसाइड करने का हक भी लड़कियों को होना चाहिए कि उनकी शादी किस वक्त होनी चाहिए। क्या फजूल बातें कर रही हो मनाल, नसीब वाली हो, तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है, इकलौता बेटा है, प्यार करने वाले सास ससुर है, अपना घर है, मुलाजिम है, मुल्क से बाहर वो काम करता है, सारी उम्र ऐश करोगी, घूमोगी फिरोगी, और तुम्हें क्या चाहिए? लोग तो इतना खुश होते हैं अगर उनका ऐसा रिश्ता मिल जाए। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। और अगर तुम्हें इस रिश्ते पर भी एतराज है तो? रिश्ते पर एतराज नहीं है, मुझे शादी पर एतराज है। मैं क्या कर रही थी, मेरे क्या ख्वाब हैं, और बीच में शादी आ गई। उन्हें कोई एतराज नहीं है, तुम करो काम। कैसे करूंगी काम जब आप ही मेरा काम तमाम कर? मैं सोने जा रही हूँ। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, सोने जा रही हूँ बोल रही है और बाहर चली गई है। पता नहीं कौन से भूत से मशवरा करना है अब उसने। जी आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो दिल में बेफिक्र होकर बोल दो। देख ले अगर आपको बुरा लग गया तो, क्योंकि मुझे बात गोलमोल करने की बिल्कुल आदत नहीं है। सीधी बात सुनकर अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं, इवन कि मेरी अम्मी भी। नहीं नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा फॉर श्योर, आप प्लीज बोले बताएं। बात यह कि मुझे आप पर शक है, अगर आप शादी के बाद बदल गए तो? अभी तो आप बहुत अच्छा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और बाद में ऐसे ना रहे तो? अभी तो ऐसे लग रहे जैसे मैंने हेल्पलाइन पर कॉल की है, बाद में ना हेल्प रहेगी और ना ही आप लाइन पर रहेंगे। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर यकीन आ जाए कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी हर बात पे कायम रहूंगा? चल ये भी मैं ही बताऊं, खुद सोचे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल मिलकर बात करते हैं, और अगर तुम इस शादी से खुश ना हुई तो मैं खुद इनकार कर दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप। अम्मी बुला रही है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी, बाय बाय। आ रही हूँ। कमाल साहब, अगर आप अखबार से नजर हटा लें तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लीजिए जनाब, अखबार से नजर हटा ली और आपके चेहरे पे नजर जमा ली, अब बताइए अब क्या परेशानी है? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आज से ही शादी की शॉपिंग शुरू कर दूँ। देखिए ना ये सारे काम है, वक्त बहुत कम है, ये ना हो कि एंड टाइम पे कुछ चीजें रह जाए। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, पहली फुर्सत में जाकर ये काम शुरू कर दो। अरे इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चले, वो बच्ची की भी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम है। यार तुम खुद ही चली जाओ ना, मैं कहाँ मार्केटों में तुम्हारे साथ घसीटता फिरूंगा। बल्कि तुम ऐसा करो कि मनाल को अपने साथ ले जाओ, बच्ची को अपनी पसंद की चीजें लेने दो, उसको खुश होना चाहिए, मेरे हारिस की इज्जत का सवाल है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, वैसे भी आजकल के बच्चों की पसंद हमसे मुख्तलिफ है। मैं कुबरा भाभी को फोन करती हूँ, अगर उन्हें फुर्सत है तो मैं आज दोपहर का ही प्लान बना लेती हूँ शॉपिंग करने का। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब अगर इजाजत हो तो नजरें आपके चेहरे से हटा के दोबारा अखबार पर रख सकता हूँ? शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाभी।
वालेकुम सलाम। भाभी मैं सोच रही थी कि शादी में दिन बहुत कम रह गए हैं तो शादी की शॉपिंग कर लूं, तो मनाल को मैं साथ ले जाना चाह रही थी। इसके लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं मनाल को अपने साथ ले जाऊं ताकि उसकी पसंद से उसकी मर्जी से शॉपिंग हो जाए उसकी। अरे भाभी इससे पूछने वाली कौन सी बात है, आपकी बच्ची है, सौ बिस्मिल्लाह जब मर्जी ले जाए। तो फिर ठीक है, मैं दोपहर के खाने के बाद आपकी तरफ आ रही हूँ मनाल को लेने। जी बेहतर, मनाल तैयार रहेगी। खुदा हाफिज। हो गया लीजिए, ये मसला भी हल हो गया। हाँ हाँ मनाल तो बिल्कुल तैयार रहेगी, मनाल तो एम्बुलेंस का ड्राइवर है ना कि हर वक्त तैयार रहती है। मुझसे तो पूछेगी मैं जाना चाहती हूँ कि नहीं, वैसे जाना कहाँ है? ओहो वो तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहते हैं शादी की, ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीजें ले लो। सच में मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। आप पता क्या करें, उन्हें दोबारा फोन करें, उन्होंने कहा मुझे साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 से 3 जापानी सिलाई मशीनें लें काफी हैं। पागल हो गई हो, सिलाई मशीनें मांगोगी उनसे? आपने खुद ही तो कहा जो चाहिए वो ले लेना, मुझे नहीं करनी उनके साथ शॉपिंग। उन्हें कहे जो लेना ना खुद ही जाकर ले ले, मुझे नहीं जाना उनके साथ। ओहो बेवकूफ लड़की, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें लेके जाना चाह रहे हैं, उनके साथ जाओ। और सुनो ज्यादा फजूल खर्ची मत करवाना उनकी, लोग ऐसी बातें बहुत नोट करते हैं। अच्छा तो अब मैं समझी कि वो मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं, ताकि मैं वहां जाऊं हर चीज को देखकर कहूं नहीं आंटी मुझे तो ये नहीं चाहिए बहुत शुक्रिया, और वो घर आकर कह सके कि हमने तो बहुत जोर लगाया इसी को कुछ नहीं पसंद आया। वो मुझे जानते नहीं है, धुएं निकाल दूंगी मैं उनके। या अल्लाह क्या बनेगा इस लड़की का। अच्छा छोड़ो ये बातें, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। अब नाश्ता भी ना करूं, भूखी मर जाऊं, तैयार हो जाओ उनके लिए। हाँ हो जाती, आप खुश हो जाएं। वैसे हारिस असूलन तौर पर मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, ड्राइवर के साथ जाना चाहिए था। क्यों मामा? अरे ओहो अच्छा भाई, शॉपिंग के बहाने कोई अपनी होने वाली बीवी से मिलना चाहता है? मिलने की बात नहीं है मामा, मुझे उससे अकेले में एक बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है? मत परेशान मामा मत परेशान, इसको शादी से इनकार नहीं करूंगा। फिर ठीक है। अरे आप लोग तो वक्त पर आ गए, आइए आइए। अरे मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं वक्त से 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाऊं। आइए बैठिए, मैं रजिया से कहती हूँ चाय बनाए। अरे नहीं कुबरा, चाय का तकल्लुफ रहने दो, मनाल तैयार हो गई है, जल्दी जाना है शॉपिंग पर। तैयार हो रही है बस आ रही। ये ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा अब चलें, निकले शॉपिंग के लिए। मैं कह रही थी चाय पीकर चले जाते हैं। अरे वापसी पे सुकून से बैठ के पी लेंगे ना, अभी बहुत जल्दी में हूँ। अब चलो बेटा चलें शॉपिंग करने, चलो आजो। इनको मेरी शॉपिंग की नहीं अपनी शॉपिंग की फिक्र पड़ी है। चुप चुप मुंह की तरफ चुप चुप, जबरदस्ती यार का इस लड़की का अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं क्या करेगी अब जाके। मामा आप अभी शॉपिंग कर लें, मैं मनाल को शॉपिंग करवा देता हूँ, क्या कहती हूँ? हाँ बेटा ठीक है, वैसे मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है, मैं जैसे ही फ्री हो जाती हूँ मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूंगी तुम लोग कहाँ हो। और मनाल दिल खोल कर शॉपिंग करना ठीक है। चलो एंजॉय योर शॉपिंग। लव यू मामा। अरे वाह तुम्हारी मामा तो बहुत कूल है। मेरी मामा है कूल तो होंगी, तुम्हारी मामा होती तो वो क्या कहती? वो कहती तुम्हें बाहर ले आए, तुम वापस से बाहर हो गई हो। वापस से बाहर हो गई हो। एनीवे यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, कपड़ों की दुकानें भी हैं, जूतों की दुकानें भी हैं, पहले शॉपिंग करनी है या कुछ खा लें? वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, ऊपर टॉप फ्लोर पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यू वांट टू गो देयर? आफ्टर यू। ऑफ ऑल द पीपल मुझ पे शक है कि मैं बदल जाऊंगा शादी के बाद? नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बदलता ही नहीं हूँ। देखो मुझे तुम पे शक नहीं है, मुझे यकीन है शादी के बाद ना सारे मर्द बदल जाते हैं। सदफ के शोहर को देख लो, शादी से पहले इतने हसीन हसीन ख्वाब दिखाए और शादी के बाद उसे की जिंदगी भयानक ख्वाब करती, उसकी बातें सुन सुन कर कसम से इतना डिप्रेशन होता है कि क्या बताऊं।
सुजत है कौन? दोस्त है मेरी बचपन की, मिलवाऊंगी तुम्हें। और पता है उसके साथ ना शादी के नाम पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब सोचो कोई भी मर्द इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। हारिस क्या हुआ, क्या सोचने लग गए? देखो ठीक है, तुमने लोग बदल जाते हैं शादी के बाद, लोग तो होते ही पागल हैं, लेकिन मैं नहीं बदलू, मैं नहीं बदल सकता। तुम्हें पता लोग शादी के बाद क्यों बदलते हैं? क्यों? मैं बता दूं, लोग शादी के बाद इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि वो बोर हो जाते हैं, और फिर जब वो 50 साल के हो जाते हैं तो उस बोरियत को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। शायद, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मिनाल मैं पहले अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट, जो काम मैं बाहर कर रहा हूँ, मैं पहले उनको कंप्लीट करना चाहता हूँ। हारिस तुमने बिल्कुल मेरे दिल की बात की है। मैं खुद इतनी बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ, इतना नाम कमाना चाहती हूँ। तो बनो ना, कौन रोकेगा तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर देखो मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। एक्सक्यूज मी, हमारे किचन में एक नहीं दो दो कुक हैं, किचन से काम करने की जरूरत नहीं। ओके, लेकिन ये शोहर के नखरे उठाना, नाश्ते बनाना, खिदमत करना, देखो अभी डिसाइड करना होगा कि मेरे पर बीवियों वाली कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रिलैक्स, डोंट वरी, अपने काम मैं खुद करता हूँ। ठीक है, और हाँ मैं ज्यादा दिन अम्मी के घर पर रहूंगी क्योंकि मेरे कपड़े वर्कशॉप सब वही है ना, तो वहाँ रहना पड़ेगा ज्यादा टाइम। छोटा सा वर्कशॉप है तुम्हारा, अम्मी के घर क्यों रहोगी? बल्कि उनको भी मेरे घर बुला लेना, मैं इतना बड़ा सा स्टिचिंग यूनिट बना के दूंगा तुम्हें। अभी कितने लोग काम करते हैं? दो। इस स्टिचिंग यूनिट में इमेजिन 20 कारीगर काम करेंगे तुम्हारे। हाँ, इमेजिन दैट। रियली हारिस? ऑफ कोर्स, 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हिरन दिखाकर शेरनी का शिकार कर रहे हो? सच बोल रहा हूँ मैं। और देखो अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो तुम सारी जिंदगी मुझे ताने तो मार ही सकती हो ना। और मनाल अगर ये रिश्ता खत्म करके तुमने कहीं और शादी कर भी ली ना, तो जो बातें और वादे मैं कर रहा हूँ ना वो कोई और नहीं करेगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ तुम्हें। पर मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरे पक्के और अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। मुझे सड़िया लोग बिल्कुल पसंद नहीं। सड़िया लोग तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, पक्का बेस्ट बडीज। तुमसे बात करके ना बहुत तसल्ली हुई है, पहले बहुत टेंशन हो रही थी, अब लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। सही कहो, बहुत मजा है। नहीं बहुत अच्छा करती हो। हारिस अगर तुम्हें अपने किसी भी दोस्त के लिए सूट बनवाना हो ना तो मुझसे बनवा सकते हो। What? मतलब मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए तुम्हारे से सूट बनवाऊंगा और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? कैसा लग रहा है हारिस? वाओ, ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल, इतना बकवास डिजाइन है। हैं? इससे बेहतर ना मैं खुद बना सकती हूँ। और ये देखो सिंगल्स, ताकि पहनने वाले का थोड़ा सा वजन बढ़े और सूट फट जाए, मैं ना हमेशा मास्टर साहब से डबल सिलाई रखवाती हूँ। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा करती हो। हारिस अगर तुम्हें अपने किसी भी दोस्त के लिए सूट बनवाना हो ना तो मुझसे बनवा सकते हो। व्हाट? मतलब मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए तुम्हारे से सूट बनवाऊंगा और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे बुरा क्यों लगेगा, बुरा तो तब लगेगा ना अगर मेरी जगह किसी और से बनवाओगे। सोचो जरा कि यूरोप में कोई मेरे डिजाइन पहन कर घूम रहा है, इससे ज्यादा मजे की बात और क्या हो सकती है। वैसे चलो यहाँ से, इतने बकवास डिजाइन है। अरे चलो भी हारिस। हाँ, हाँ।
लाल मामा का फोन है। जी मामा। हाँ बेटा कहाँ हो तुम लोग? हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप इधर ही आ जाए। अच्छा मैं आ रही हूँ। मनाल मामा आ रही है, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हम दोनों के दरमियान जो भी बातें हुई हैं हम दोनों तक रहनी चाहिए। ठीक है। बीबी से चाय। रजी टाइम क्या हुआ? जी 9 बजे हैं। मनाल कहाँ रह गई है? अच्छा तुम जाओ। जी ठीक। अम्मी ये देखिए। ओहो ये क्या? अम्मी मैं तो नाना ही कर रही थी, वो ही लोग जबरदस्ती कर रहे थे। अगर मुझे पता होता ना कि हारिस तुम्हारे साथ जा रहा है, खुद जाती साथ। क्यों? अगर तुम्हारे बाबा होते तो तुम्हें कभी ऐसे ना जाने देते। खैर कैसा रहा? अच्छा था। और आप इतनी टेंशन ना लें, मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी, अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। और आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी अच्छी शॉपिंग की है कि शादी पर सबकी नजरें आप पर होगी, इतनी प्यारी लगेंगी आप। अच्छा ये मस्के बाद में लगाना। सुनो कमाल भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हम ना शादी से पहले निकाह कर लेंगे। आपको जो सही लगे ना वो आप करें, मैं चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है रजिया प्लीज सारा सामान उठा लो। कुबरा भाभी असल में हारिस हमारी इकलौती औलाद है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी खुशी का एक एक लम्हा एंजॉय करें। तो मैं और मदीहा चाह रहे थे कि फिलहाल तो हम एक छोटा सा फंक्शन मंगनी का रख लेते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद निकाह, बारात, रुख्सती और फिर वलीमा। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है भाई साहब, 18 तारीख को मंगनी का फंक्शन ठीक रहेगा। यानी 18 को मंगनी और 25 को निकाह? बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ठीक है? जैसे आप सबको ठीक लगे। मगर बाबा मैं बहुत सादगी से शादी करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा रश और शोर शराबा नहीं चाहता। अच्छा अच्छा भाई देख लेंगे, फिलहाल तुम दोनों बच्चे बाहर जाके बैठो, मैंने कुबरा भाभी से कोई बात करनी है। जी जाओ। वैसे अब ऐसे भी क्या बात थी जो हमारे सामने नहीं कर सकते थे? पता नहीं, I don't know. Anyway, यहाँ चलते। ओके। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने हमारा इस कदर ख्याल रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए सारे इंतजाम खुद कर सकती हूँ। हाँ आपकी तरह इस तरह शानदार नहीं होंगे लेकिन मुकम्मल होंगे, मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अरे भाभी हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ लेकिन जितनी मेरी बिसात है उतना तो मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी। इस तरह खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकती ना, एक ही बेटी है मेरी। वो असल में हारिस की ख्वाहिश है कि आप पर किसी किस्म का कोई बोझ ना पड़े। बेटियां बोझ नहीं होती भाई साहब, जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं बहुत देर से तैयारी कर रही थी। चलिए जैसे आपकी मर्जी, बल्कि जैसे आपकी खुशी। भाई ये आप दोनों माँ बेटी का आपस का मामला है, हम कैसे बोल सकते हैं। कुबरा भाभी एक बात बताएंगे सच सच, क्या आपकी बेटी भी आपके जितने ही जिद्दी है?
मुझसे भी बहुत ज्यादा है। ध्यान कर लो। लो जी फिर ये तय हो गया कि 18 को मंगनी और 25 को निकाह। बिल्कुल। तो बस फिर मुंह मीठा करवाइए। बहुत बहुत मुबारक। अरे आपको मीठा करिए। तुम ये क्यों कह रहे थे कि शादी तुम्हें सादगी से करनी है? क्यों, तुम ये नहीं चाहती? बिल्कुल भी नहीं, मेरी पहली शादी है इसलिए मैं चाहती हूँ कि खूब हल्ला गुल्ला। पहली शादी है मतलब? पहली शादी मतलब पहली शादी, पहली बार शादी करी ना तो पहली शादी। दूसरी दफा भी शादी करने का इरादा है? तौबा करो हाले से। वैसे हमारा क्या ही फ्यूचर होगा? क्या फ्यूचर होगा क्या मतलब? मतलब कि हम ये शादी अपने घर वालों की वजह से करें और शादी की कोई भी जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते। देखो मनाल, तुम अपने ड्रीम्स पूरे करो, बहुत नाम कमाओ, मैं अपने काम करता हूँ। बाद में जब हम दोनों अपने कामों से थक जाएंगे या बोर हो जाएंगे तो बस एक दूसरे का साथ देंगे, सहारा बनेंगे, क्योंकि वो लाइफ उस वक्त हमने खुद चूज की होगी जैसे ये लाइफ इस वक्त हम खुद चूज कर। और तुम देखना हम लोग कितना खुश रहेंगे क्योंकि हमारे दिल में कोई हसरत नहीं होगी। मतलब कि ये शादी हमने सेविंग अकाउंट में डाल दी जो हमारे बुढ़ापे या बुरे वक्त में काम आएगी, है ना? पता नहीं मैं समझा नहीं, लेकिन हाँ समथिंग लाइक दैट। हाँ हारिस, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने ख्वाबों में खोकर अपनी जिंदगी की हकीकत को भूल जाएं? हमारे ख्वाब तो पूरे हो जाएं लेकिन जिंदगी अधूरी रह जाए, ना मुकम्मल ना खुश। नहीं मनाल, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी सक्सेस एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो हारिस साहब मिलाइए हाथ। शादी मुबारक। आपको भी शादी मुबारक। अंदर चले? या श्योर। ओए दानिश, मेरी बात गौर से सुन, मेरे पास तेरे लिए एक गुड न्यूज है। जल्दी बता यार, गुड न्यूज सुने में बहुत अरसा हो गया। मेरी बात पक्की हो गई है। क्या? अब इतना हैरान मत हो, गुड लुकिंग लड़कों को लड़कियां मिल ही जाती है। बाय द वे, इस 18 को मुन्नी है मेरी। अगर उनको तुम्हारी असलियत पता लग गई ना तो वो माँ बेटी तुम्हारा वो हाल करेंगी कि हारे में बॉक्सिंग प्लेयर जैसी शक्ल लगेगी तुम्हारी। यार एक बात बताओ, तुम वाकई मेरे दोस्त हो इसलिए मुझे फोन करते हो या फिर सारी दुनिया का गुस्सा मुझ पर निकालने के लिए मुझे फोन करते हो? कभी तो अच्छा बोल लिया कर यार। और मनाल को कैसे कुछ पता चलेगा? कह तो तुम ठीक रहे हो, ये बात तो तुम्हारे फादर को नहीं आज तक पता लगी तो वो किस खेत की मूली है। एग्जैक्टली। वैसे 18 तारीख को कुछ और भी है। क्या? पता नहीं, सभी का जिक्र कर रही थी। What? क्या क्या जिक्र कर रही थी? ठीक से मुझे याद नहीं है लेकिन इतना जरूर कह रही थी कि अगर हारिस 18 तारीख से पहले आ जाता तो डैनी बहुत खुश हो जाता। एक तो मैं डैनी से बहुत तंग हूँ। हम सब अपने अपने बॉस से तंग है मेरे भाई, लेकिन तेरे बॉस को तेरे से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। किसका नाम ले लिया यार, चल अपना ख्याल रख, बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आखिर ऐसा क्या है 18 को? कुछ तो है, मुझे भी ऐसी फीलिंग है। डैनी लंदन तो नहीं जा रहा? ओह माय गॉड, 18 को तो मैं कैसे भूल गया। हारिस तू एक गधा है। अब बोल कैसे कैसे होगा सब? बहुत बड़ी गलती हो गई है, 18 तारीख तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तारीख थी, मैं कैसे भूल गया। अब तो तारीख भी बदली नहीं जा सकती, सब मेहमानों को जो बोल दिया। अपनी मनाल का घर बसने वाला है, मैं जानती हूं कि आप बहुत खुश होंगे और मुझ पर भी फख्र करेंगे। सोचा भी नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में ये दिन देखना पड़ेगा, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। पागल हूँ?
ये दिन तो नसीबों वालियां देखती हैं।